हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह है मेरा मेकअप, तो मैं अभी जा रही हूँ सैलून पे। रेडी हुई नहीं हूँ, पर एक बार मेकअप अटेंड कर लेती हूँ, क्योंकि इतना सुबह जल्दी अगर ना होंगी तो जुखाम हो जाएगा। ऑलरेडी खांसी तो है ही, तो अभी जा रही हूँ शॉप पर। चिकू को उठा दिया है और मैंने मेरा ब्रेकफास्ट भी कर लिया, क्योंकि ज़्यादा देर तक भूखी रहूँगी तो तबीयत ख़राब होने के चांसेस हैं। तो मैंने मेरा दूध पी लिया है और मेरी ग्रीन टी भी बना के सुबह सुबह उठते मैं ही पी ली थी। तो अभी चलती हूँ और जो भी सामान मुझे साथ में ले जाना है वो कैरी कर लेती हूँ। अभी आ गई शॉप पर और क्लाइंट तो आए नहीं है, और सैलून में भी कल रात को लेट निकली थी तो सारा ऐसा ही बिखेरा है। तो अभी चलती हूँ सैलून में और थोड़ा, जब तक वो नहीं आते तब तक थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। ज्योति ने अभी फ़ोन उठाया, दो तीन फ़ोन किए, तो अभी वो भी आने में ही है। जाना है, जाओ। कितनी देर में फ्री हो जाओगे? कितनी देर में हो जाओगे? टाइम तो लगेगा। कौन कर? चिकू तो चले गए, अब मैं चलती हूँ अंदर सैलून में और मेरा जो भी काम है उसको क्लियर करती हूँ। कल सारा एज इट इज़ रख के ही मैं चली गई थी, क्योंकि 9 बज गई थी इसलिए। और अभी ये सारा क्लीन करूँगी और मेकअप का सेटअप लगाऊँगी। बस अब मैं भी जा रही हूँ घर पे, काम अपना हो गया। अब ज्योति भी नहाने के लिए गई है, मैं भी रेडी होके खाना वगैरह कंप्लीट करके फिर आती हूँ। हैप्पी भी आज जा रहे हैं, तो अब कल से तो जल्दी आना पड़ेगा मुझे शॉप पर। घर पे जैसे ही आई हूँ, गीज़र ऑन किया है नहाने के लिए, और रूम में मैजिटीज छोड़ के गई थी। तो बहुत दिन हो गए, लगभग 5-6 दिन तो हो ही गए बेडशीट चेंज करिए, तो बेडशीट चेंज कर देती हूँ और फिर नहा लूँगी, फिर खाना बनाऊँगी। मूँग की दाल, रोटी, सलाद। हैप्पी भैया तो निकल गए हैं और ज्योति भी अभी जस्ट आई है शॉप पर और कस्टमर वेट कर रहे हैं, तो फटाफट से मैं भी खा लेती हूँ और फिर पहुँचती हूँ शॉप पर। मैं हो चुकी हूँ रेडी, अब चलते हैं शॉप पर क्योंकि काफ़ी काम पेंडिंग है। पीछे क्लाइंट से अभी जस्ट हम लोग फ्री हुए हैं, क्योंकि नॉन स्टॉप क्लाइंट थे तो काम भी चल ही रहा था। और आगे हैप्पी भी अभी नहीं है, तो अब टाइम से आगे भी आके बैठना पड़ेगा। तो अभी हम आगे बैठे हैं, ज्योति अभी आएगी। ज्योति अभी अंदर सैलून में क्लीनिंग कर रही है और साथ ही साथ काम भी चल ही रहा है। कोई कस्टमर आएगा छोटा मोटा, उसको ज्योति निपटा देगी। और मेरा एक नाक बंद हो गया, मैं इनहेलर मंगवाती हूँ। अभी इधर उधर घूम घूम के सारा मैस हो गया है, क्योंकि आगे भी संभालना है, पीछे भी संभालना है, भाग भाग के, और साथ में नाक भी चालू है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो रही है। पर कोई बात नहीं, और अब हम आपको देंगे प्रोडक्ट नॉलेज, और वो जो कि हमारी शॉप पे न्यू आया है। तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ जो हमारी शॉप पर आई है न्यू ब्रांड, उसके साथ। तो वो ब्रांड है द मॉम्स को। इसके अंदर बेबी केयर है, मॉम केयर है, दोनों ही चीज़ें हैं, पर आज आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ बेबी केयर से। तो बेबी केयर में सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास, बड़ों के लिए बताती हूँ, बूढ़ों के लिए बताती हूँ, तो बच्चों को क्यों रहने दो, बच्चों के लिए भी तो अच्छी कोई चीज़ बताऊँ। हमारे पास मामाअर्थ के भी बेबी केयर अवेलेबल है, बट स्पेशल स्पेसिफिकली एक ही बेबी केयर की ब्रांड आई है, जो कि जिसमें फर्स्ट है बेबी वॉश, जो कि द मॉम्सको का है। आप देख सकते हो इसकी पैकेजिंग इस टाइप से है। और सेकंड आता है बेबी शैम्पू, जो कि बहुत माइल्ड है, एकदम नेचुरल प्रोडक्ट से बना हुआ है। और फिर आता है बेबी लोशन एंड बेबी पाउडर एंड मस्कीटो रिपेलेंट। ये मस्कीटो से बच्चों को बचाएगा, क्योंकि मच्छर छोटे छोटे बच्चों को बहुत काटते हैं ना, इसलिए। और ये है पाउडर, और ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वाला प्रोडक्ट है बच्चों के लिए, और बिल्कुल इरिटेट नहीं करेगा बच्चों को। तो इस प्रोडक्ट को रखते हैं साइड में। अब आ जाते हैं इसके स्किन केयर पे। स्किन केयर में है द मॉम्सको की दो रेंज, जो कि है विटामिन सी और सेकेंड है ग्रीन टी। तो इसके साथ ये जो फेस वॉश हैं,
उन्हीं के साथ इनके सेम फ्लेवर के टोनर हैं। तो ये फेस वॉश है विटामिन सी का, जो कि आपके फेस को ब्राइट करने में और इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। सेकंड आ जाता है हमारा ग्रीन टी फेस वॉश, जो आपके फेस पर एक्ने को कंट्रोल करता है और ऑयल को भी कंट्रोल करता है। और मस्ट टोनर यूज़ करना तो बहुत ज़रूरी है। ये विटामिन सी का टोनर है और ये ग्रीन टी का टोनर है। तो आप देख सकते हो और इन प्रोडक्ट्स की कितनी अच्छी पैकेजिंग है, आप वो भी देख सकते हो। और अब आ जाते हैं मॉम्स के ऊपर। मॉम्स के लिए भी हमारे पास बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो कि है हर यानी माँ की सबसे यूँ देखा जाए तो प्रॉब्लम वाली चीज़ है, क्योंकि हर सारी माएँ जब नई माँ बनती हैं तो उनके पेट पर और थाइज़ में या फिर कमर पर स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम होती है। उसको रिमूव करने के लिए भी हमारे पास एक प्रोडक्ट आ चुका है, जो कि है द मॉम्सको का स्ट्रेच मार्क्स ऑयल। ये आपकी स्किन के ऊपर जो स्ट्रेच मार्क्स हैं उनको रिड्यूस करेगा, कम करेगा। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आप ये ऑयल यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी स्किन है वो हाइड्रेट रहेगी, जिससे आपको स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये प्रोडक्ट शॉप करो पर अवेलेबल हैं, तो आप डायरेक्ट शॉप करो की एप्लीकेशन से भी परचेज़ कर सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगी, उस पर भी डायरेक्ट कॉल या मैसेज करके आपका ये प्रोडक्ट आप ऑर्डर कर सकते हो। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ लो, डिस्क्रिप्शन में ही नंबर दे रखा है। अकेली शॉप पर बैठी हुई थी, अभी आए चिकू, 7 बजे 7 ऊपर हो गई है, चिकू इतना लेट आए, और अब जाते हैं घर पर और खाना वगैरह सब बनाना बाकी है, और नाक ये वाला बंद हो गया है। घर पे आके जल्दी से कर लिए हमने खाने की तैयारी। तो खाने में आज बन रहे हैं मेथी और पनीर के पराठे, यानी सब मिक्स कर दिया है। तो इसका डो मैंने यहाँ पर बांध के कर दिया है कंप्लीट। तो इस डो ने काफ़ी रेस्ट कर लिया है, तो बना देते पराठे, और साथ ही साथ साथ में लेने के लिए दूध भी गर्म हो रहा है। बन गया है मेरे लिए ही, मैं प्लेट लगा रही हूँ, लास्ट ये रोटी पकनी बाकी है, तो इसी को मेरी रोटी बना के लेने वाली हूँ। लास्ट रोटी है, थोड़ी सी बड़ी बनाई है क्योंकि आटा ज़्यादा था। और ये मेरी प्लेट, खाना खा लेती हूँ, सबको तो खिला दिया है, अब मेरा ही खाना बाकी है, तो मैं भी खा ली, रोटी भी मेरी पक गई है। किचन वगैरह सब क्लीन कर दिया है मैंने, और मैं भी फ्री हो गई हूँ, फेस वॉश कर दिया, अब मैं नाइट क्रीम लगा के मेरा हल्दी वाला दूध पी के मैं सो जाऊँगी। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय।